हे गाइस, होप यू आर ऑल फाइन। मैं शायनी और फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है साड़ी में यंगर कैसे दिखे, यानी साड़ी में यंगर लुक कैसे आप पा सकते हो। वीडियो इसी के ऊपर ही है। कभी कभी आप खुद देखोगे, रेडी होने के बाद खुद से ही आपको लगता है आज आप ज़्यादा एज की दिख रही हो। आई मीन मिरर में आप देखोगे, खुद के लुक से आप सेटिस्फाई नहीं होते। और ऐसा भी कभी कभी होता है कि जिस तरीके से आप रेडी हुए हो, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है कि आप काफ़ी ज़्यादा यंगर भी दिख रही हो। तो यंगर दिखना तो सभी चाहते हैं, आई मीन एक्चुअल एज से सभी यंगर दिखना ही चाहते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, लाइक साड़ी हो सकती है, ज्वेलरी हो सकती है, एक्सेसरीज भी हो सकती है, या फिर आपने साड़ी को किस तरीके से ड्रेप किया है वो भी डिपेंड करती है। सो आज के वीडियो में आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जो साड़ी में आपको यंगर दिखाने में टू सम एक्सटेंट तक हेल्प कर सके। सबसे पहले बोलना चाहती हूँ, साड़ी फैब्रिक जैसे कि मोटे एंड हेवी सिल्क की साड़ीज, ऊपर से अगर चौड़े बॉर्डर वाले साड़ीज होती है तो आपकी फिगर के साथ साथ ना लुक को भी बहुत ज़्यादा हेवी कर देती है। इसके ऑपोजिट अगर आप पतले बॉर्डर वाली सिंपल साड़ीज पहनते हो, लाइक शिफॉन, जॉर्जेट या फिर सॉफ्ट हैंडलूम जो कि आज मैं ड्रेप करके दिखाऊंगी, ऐसे फैब्रिक अगर आप पहनते हो तो आपकी एज काफ़ी ज़्यादा कम लगती है। क्योंकि उस तरीके की फैब्रिक जो स्टिफ रहते हैं, बॉडी पर ठीक ठाक नहीं बैठती है, ड्रेप करने के बाद फुली फुली लगती है, तो वैसे फैब्रिक अवॉइड करना ही बेहतर है। आई डोंट मीन कि वार्डरोब से सारे निकाल फेंके, बट ओकेशन वाइज हमें सिल्क साड़ीज भी कभी कभी पहनना अच्छा लगता है। सो आज के टॉपिक के ऊपर ध्यान रखते हुए सारे टिप्स आगे चल के रहने वाली है। तो आइए बिना कोई टाइम गवाए ड्रेपिंग को शुरू कर लेते हैं। ये एक सॉफ्ट हैंडलूम साड़ी है विच आई परचेज फ्रॉम मीशो। ब्लाउज रनिंग है जो मैंने अभी तक नहीं निकाली है, और साड़ी को मैंने पेयर अप करी है विद अ कंट्रास्टेड ब्लाउज। आप भी इस तरीके के ब्लाउज ट्राई कर सकते हो ऐसे थीन बॉर्डर साड़ीज के साथ, या फिर क्रॉप टॉप के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो, जो बहुत ही ज़्यादा स्लिमर लुक लाने में हेल्प करती है। क्योंकि राइट ब्लाउजेज भी आपके लुक को यूथफुल दिखाने में बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करती है। नेक्स्ट, अगर आपकी फिगर थोड़ी सी हेल्दी है तो शेपवेयर पहना करें इंस्टेड ऑफ अ पेटीकोट। मैंने आज के लिए कॉटन पेटीकोट यूज़ करी है, ब्लैक शेपवेयर मुझे मिल नहीं रही थी। तो आइए देख लेते हैं स्लिमर लुक के लिए शुरू से ही साड़ी को कैसे टाइटली ड्रेप करना होता है। सबसे पहले सीधे दोनों कमर के सामने फैब्रिक को टक कर ले, देन मिडिल की फैब्रिक को इजीली सीधी टकिंग करने में आपको आसानी होती है। सो लेंथ वाइज राउंड टचिंग रख के कमर के अराउंड टकिंग कर ले, एंड पहले से ही फुटवेयर आप पहन ले ताकि ड्रेपिंग ख़त्म होने के बाद इफ़ यू वेयर योर हील तो साड़ी की जो हाइट है वो ऊपर ना उठ जाए, ठीक है। बेसिक राउंड की जो टकिंग है ये साड़ी की नीव होती है, तो इसे प्रॉपर वे में, टाइट फिटेड वे में ही करना है। जैसे तैसे करोगे तो आगे चल के फिनिशिंग देने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद राइट कमर से लेते हुए हम ऊपर के बॉर्डर के थ्रू पहुँचेंगे आंचल पे। आप देख सकते हो आंचल पे ऐसे सुंदर टसल्स दी गई है। तो अब मेरी उंगलियों की पोजीशन को आप ध्यान से देखिए, कैसे आपको सीजर्स की तरह ऐसे पकड़ना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड वाली कॉर्नर से ही हम स्टार्ट करेंगे। थंब एंड लिटिल फिंगर एंड सामने की दो उंगलियों को ऐसे प्लेस करना है ताकि हर एक प्लीट आपस में सेम वाइडनेस के ही बने। और लास्ट प्लीट को घुमा के आपको कुछ इस तरीके से सेट करना है ताकि लास्ट प्लीट एंड फर्स्ट प्लीट दोनों आपस पे ऑपोजिट पे बने, क्योंकि तभी ये आपकी बस्ट के ऊपर ऐसे सीधी बैठ पाती है। यू गॉट माई पॉइंट। अब आंचल के एंड को अच्छे से सिक्योरली पकड़ लीजिए एक हाथ से, एंड दूसरे हाथ से वन बाई वन ये जो क्रीज लाइन है, क्रीज लाइन बराबर एक सर्टेन डिस्टेंस पे आप इसे इकट्ठा करते हुए जाएंगे एंड सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर करते हुए जाएंगे। तो अब मैं बताती हूँ, अगर आप ऐसे पतली बॉर्डर वाली साड़ीज पहनते हो तो हमेशा कोशिश करिए अपने शोल्डर जितनी ही वाइड पल्लू बनाने की। इससे आपकी फिगर ना थोड़ी सी स्लिमर लगती है, ठीक है। क्योंकि पल्लू की वाइडनेस अगर आप ज़्यादा चौड़े बनाते हो वो आपके शोल्डर से बाहर निकल के लटकती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। प्लस आपकी जो फिगर है ना वो वाइडर दिखती है एंड आप एजेड दिखते हो थोड़े बहुत। बट डोंट मेक द प्लीट्स थिनर देन योर शोल्डर। ज़्यादा अगर पतले बना लेते हो तो क्या होता है, लेफ्ट की जो बस्ट सेक्शन है वो ओवर रिवीलिंग लगती है। तो दोनों ही कंडीशन हमें अवॉइड करना है। सो शोल्डर जितना ही वाइड प्लीट्स बनाया करें। कभी कभी आप देखोगे अरेंज करने के बाद ये जो फ्रंट प्लीट है, फ्रंट प्लीट के साइड से पीछे की प्लीट्स ये बाहर निकलती हुई दिखती है ना। तो इसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वाली जो प्लीट है इसे बस थोड़ा सा ही खींच के वाइडर बना लीजिए ताकि पीछे की प्लीट सामने से विजिबल ना हो, ठीक है।
देखिए, अगर आप एक बिगिनर हुए तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी, ये जो सेक्शन हमने अलग से बनाया है वो सारे सेक्शन पे आप सेफ्टी पिन का यूज़ करा कीजिए। इससे आपको आसानी होगी आगे बढ़ने में। लेकिन जैसे कि हैंडलूम फैब्रिक बहुत ही इजी टू टेम होती है तो मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऑलमोस्ट हमने हमारी रिक्वायर्ड लेंथ तक पल्लू को अरेंज कर लिया है। तो आइए इसे अपने बॉडी के अराउंड घुमा के सामने से ला के प्लेस कर लेते हैं अपने लेग शोल्डर के ऊपर। इसके बाद ही नेक्स्ट आपको इसकी लेंथ को नाप लेना है, जो कि आपको अपने घुटने से थोड़ी सी नीचे तक बनानी है। यहाँ मैं बोल दूँ, पतले एंड लंबी पल्लू रखने से ये आपके फिगर को थोड़ी बहुत लंबी अपीयरेंस देने में हेल्प करती है, प्लस आपकी जो एज है वो तो कम लगती है। क्योंकि अगर आप देखोगे आपकी हाइट अगर शॉर्ट हुई और आप बहुत ही छोटे पल्लू रखते हो तो आपकी हाइट और भी ज़्यादा शॉर्ट लगती है एंड वाइडर भी दिखती है। तो ये सारे छोटे मोटे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ख्याल रखना है साड़ी रिपिंग के टाइम। पल्लू को हमने कर दिया है ब्लाउज फैब्रिक के साथ सिक्योर। तो आप देख सकते हो पल्लू मेरे एकदम शोल्डर जितनी ही बनी है। आप केयरफुली जब आप पिनिंग करोगे ना तो एक चीज़ का ख्याल रखना, सारे प्लीज को इकट्ठा करके ही पिनिंग करें ताकि कोई भी प्लीज आपसे ना छूटे, आई मीन सिक्योर करने के टाइम पे, यू नो व्हाट आई मीन। तो ज़रा से पीछे की साइड पे ही हमें सिक्योर करना है ताकि अगर नीचे झुक के आप कोई काम करो तो उस वक्त पल्लू सामने की तरफ ना गिरे, ओके। तो इसके बाद फ्रंट प्लीज को वन बाई वन थोड़ा बहुत स्प्रेड कर लेंगे रफली, ताकि बस्ट के ऊपर टाइटली कितना सेट करना है उसका आइडिया आपको मिल जाए। तो भीतर के बॉर्डर को ऐसे बस्ट को हाफ कवर करते हुए लेफ्ट कमर तक ले आइए। एंड यहाँ यू हैव टू मेक श्योर ये बॉर्डर ज़्यादा गले तक ना चले, नहीं तो बस्ट एरिया बहुत ही ज़्यादा हैवी दिखती है। तो बॉर्डर को अच्छे से खींच के कमर के पास डाउनवर्ड ऐसे पीछा लाना है। एंड ध्यान रहे पीछे वाली बॉर्डर फोल्ड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नाउ टेक अ सेफ्टी पिन टू सिक्योर द बॉर्डर विद योर पेटीकोट फैब्रिक। सिर्फ साड़ी से अगर आप सिक्योर करते हो तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उठने बैठने से ये लूज हो जाती है। फिर थोड़ा सामने से, आई मीन बॉर्डर बराबर सामने से थोड़ा सा फैब्रिक को ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से तीछा उठा के लाना है। और ये करते ही आप देखोगे इंस्टेंट आपके लेफ्ट हिप सेक्शन के वहाँ पे प्लीज बन चुके हैं। तो जब आप मिरर में देखते हुए इसकी जो पोजीशन है इसे आप सेटिस्फाई हो जाते हो, तब इसे क्या करना है, आपके नेवल के पास लेके इसे टक कर देना है। दिस मेक्स योर हिप सेक्शन लुक स्लिमर, जिस कारण से ही हम हिप प्लीज बनाते हैं। सो ये रही एक ईजी सा टेक्निक इफ़ यू डोंट हैव मच टाइम। तो आइए अब सेंटर प्लीज को बना लेते हैं। फॉर दैट राइट कमर के पास से हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेते हुए फैब्रिक को आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है, ओके। प्लीट बनाना स्टार्ट करने से पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, हमारी जो फर्स्ट वाली सेंटर प्लीट होती है तो आप देखोगे कभी कभी फर्स्ट वाली प्लीट मुड़ के उल्टे साइड भागती हुई दिखाई देती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेते हुए ही सेंटर प्लीट को अरेंज करना होता है। पहले हम ऐसे नाप के एक मीडियम साइज़ की प्लीट बना के देख लेंगे कि ये सीधी बन रही है या नहीं। तो जब आप सेटिस्फाई हो जाते हो हाँ ये सीधी बन रही है, तब उसके पीछे पीछे हाथ को ठीक सीजर्स की तरह जैसे हमने पल्लू बनाते टाइम हमने हाथ को सेट करा था, ठीक वैसे ही सेट कर लीजिए। एंड एक के बाद एक ऐसे जिगजैग हुए में प्लीट्स को बनाते हुए आगे बढ़ते हुए चलिए, ठीक है। 5 to 6 प्लीट्स यहाँ पे बना लीजिए। एंड प्लीट्स के नंबर आपकी फिगर एंड साड़ी लेंथ दोनों पे डिपेंड करती है। फिगर आपकी अगर वाइडर होती है तो पतले प्लीट्स बनाएं, लेकिन मिनिमम 5 सेंटर प्लीट्स आप बनाने की ज़रूर कोशिश करिए, जिससे कि ड्रिपिंग की खूबसूरती मेंटेन होती है। और फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा बॉडी हगिंग है एंड सॉफ्ट है, तो इसीलिए अच्छे से झटक लीजिए ताकि नीचे की साइड जो प्लीट की जो स्कर्टिंग है, आई मीन क्रीज लाइन बराबर, वो अपने आप बन जाए। तो एग्जैक्ट जहाँ पे आप अब वेस्ट लाइन पे टक करोगे वहाँ पे वन बाई वन सारे प्लीट्स को इकट्ठा कर लीजिए, ताकि टकिंग के टाइम कोई भी प्लीट्स आगे पीछे ना रह जाए। अब एक ही अटेंड में नेवल के पास सारे सेंटर प्लीट्स को अच्छे से टकिंग कर ले। और यहाँ पे भी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, हमेशा ग्राउंड टचिंग रखते हुए ही सेंटर प्लीस को टकिन करें मिरर में देखते हुए। एंड जब तक आप वेस्ट लाइन को स्मूदन नहीं कर लेते तब तक आप बाएं हाथ की ये जो ग्रिप है इसे कभी भी ढीला होने ना दें। तो सेंटर प्लीस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब एक सेफ्टी पिन लेके पूरे सेंटर प्लीस को पेटीकोट के भीतर से सिक्योर करते हो तो आपकी पूरी की पूरी ड्रेपिंग सिक्योर हो जाती है। दो दिस इज ऑप्शनल, जैसे कि मैं ज़्यादा टाइट वेस्ट नहीं रख पाती तो आई फॉलो दिस ट्रिक। तो सामने से यू कैन सी ड्रेपिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिख रहे हैं एंड टाइट फिटेड भी लग रही है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, पीछे की साइड भी एकदम स्कल्पटिंग को कंप्लीट करनी है, आई मीन शोल्डर से लेते हुए बस्ट के ऊपर से एकदम पीछे कमर तक आपको वन बाई वन सारे प्लीज की स्कल्पटिंग को कंप्लीट करनी है, क्योंकि ड्रेपिंग की खूबसूरती हर एक एंगल से बयां होती है, राइट। तो पीछे से भी आप देख सकते हो बॉर्डर एकदम सीधी बननी चाहिए ऐसे, एंड ऐसे ही टाइट फिटेड दिखनी चाहिए ताकि आपकी जो फिगर है वो स्लिमर दिखे, ठीक है। और
कभी भी अगर आप पल्लू बनाते टाइम, मैं तो सजेस्ट करती हूँ बिगिनर को, अगर पल्लू बनाते टाइम आप सेफ्टी पिंस डाल भी लेते हो तो उसे याद से निकाल लेना, नहीं तो पीछे से बहुत ही ज़्यादा चिपका हुआ लुक दिखता है। जैसे कि आज की फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा इजी टू टेम है, बहुत ही ईजियर फैब्रिक है ड्रेप करने के लिए, लेकिन अगर आप सिल्क बनारसी या फिर कांजीवरम मोटे मोटे सिल्क अगर साड़ी की ड्रेपिंग आप देखना चाहो तो मेरे चैनल में बहुत सी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो वो ज़रूर जाके चेक कर लेना। तो इसके साथ साथ हमारी आज की ड्रेपिंग हो जाती है कम्प्लीट, तो आइए थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। ज्वेलरीज में आप देखोगे हेवी नेक पीसेस के साथ अगर हेवी ईयरिंग्स आप पहन लेते हो, सब कुछ अगर हेवी पहन लेते हो ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई कोई सोचता है शायद लटकन वाले बड़े ईयरिंग्स में एज कम दिखती है, वैसा भी नहीं होता। पर्सनली आई फील दैट छोटे स्टड्स या फिर झुमका जो होते हैं वो पहनने की कोशिश करिए, या फिर हेवी नेकलेसेस के साथ स्टड पहन लीजिए, और गले में हेवी ना पहना है तो हेवी ईयरिंग्स आप पहन सकते हो, जो भी आपकी साड़ी है उस हिसाब से। मैंने आज के लिए ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज यूज़ करी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चूड़िया। कई को लगता है कि बहुत सारे चूड़िया अगर पहन लोगे तो यंगर दिखोगे, नॉट लाइक दैट। अगर हाँ, दोनों हाथों के ऐसे सेट चूड़िया आती है बस एक ही हाथ में पहन लीजिए इफ़ यू लव वेयरिंग चूड़िया। आते हैं मेकअप में। फाइन लाइन्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स के लिए कंसीलर यूज़ करें, ज़्यादा मेकअप या फिर फाउंडेशन हर टाइम अच्छी भी नहीं दिखती, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो मैं मेकअप आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ आने वाले दिनों में। ओके सो या ये रही कुछ और चीज़ें, होप आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही है। इफ़ येस, प्लीज़ लाइक और वीडियो को शेयर करना कभी भी ना भूले, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट डे। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।